सिक्का उछला और गिरा चिप रिलायंस के पक्ष पे और उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया और सीपी टैंडर्स की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोनों ही टीम एक एक मैच जीत के सीपीएल सीजन 6 पर खड़ी है। यह है उनका डू और डाई मैच, जो भी टीम जीतेगी वो जाएगी फाइनल पे। और यहाँ सीपी लाइन की टीम अपने फील्ड सेटअप करते हुए और सीपी टाइटन से सलामी बल्लेबाज, एक तरफ दिव्येंदु और एक तरफ सुबीर, स्टार बल्लेबाज दिव्येंदु और सुबीर। यदि टाइम आउट छोड़कर कोई भी खिलाड़ी मैदान में घुसेगा उसे डायरेक्ट बैन, सीपीएल सीजन 6 के लिए उन्हें बैन कर दिया जाएगा। बिना टाइम आउट और बिना अंपायर की परमिशन के कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड में नहीं घुसेंगे। और फील्डिंग टीम के खुद का 5 डीआरएस ले सकते हैं और जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो तो बैट्समैन ही, इसके अलावा कोई भी डीआरएस नहीं ले सकते। कोई वार्निंग नहीं है, कल काफी वार्निंग मिल चुकी है दोनों ही टीम को। आज जो बिना परमिशन के ग्राउंड में घुसेंगे उसे डायरेक्ट बैन, सीपीएल सीजन 6 के लिए वो बैन हो जाएंगे। तीसरे दिन का पहला मुकाबला सीपी टाइटंस बनाम सीपी लायंस सेमीफाइनल मैच, जो भी टीम जीतेगी वो खेलेगी सीपी किंग्स के साथ फाइनल में। सिक्का उछला और गिरा सीपी लाइन के पक्ष पे और उन्होंने बॉलिंग करने का सिद्धांत लिया। सीपी लाइन वॉन द टॉस एंड चूज टू बॉल फर्स्ट। ये पहला ओवर डाल लाएंगे जूनियर सोबी, जिन्होंने कल काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। आज देखते हो सेमीफाइनल में क्या करते हैं और इस टाइम पे रहेंगे सूर्य। और ये आज के दिन का पहला मुकाबला मेगा सेमीफाइनल शुरू हो चुका है। थैंक यू सुबीर गेंदबाजी के लिए सोबी। स्कोर से अनुरोध है और ये जाएगी बाउंड्री के बाहर और ये सुधीर का जोरदार प्रहार। अब बताया गया इशारा, बताया डिसीजन डबल में चार रन, आज ही जोरदार प्रहार सुधीर की बल्ले से मेगा सेमीफाइनल मुकाबला सीपी टाइटंस बनाम सिटी लायंस, जो टीम जीतेगी वो जाएगी फाइनल में। गेंदबाजी में सोबी जो कि जूनियर बॉलर है और स्ट्राइक पे सुबीर, स्टार बल्लेबाज सुबीर। और ये फिर से फाइनल खेल रहा है, गेंद जाएगी तारामंडल में बाउंड्री के बाहर। दो गेंदों में 10 रन, एक ओवर बाउंड्री और एक 4 रन, काफी अच्छी शुरुआत सीपी टाइटंस सिलसिले में से। देखते हैं क्या करते हैं सुबीर, सॉरी के विकेट बॉल में से अनुरोध है ग्राउंड की चारों ओर चल जाए और ये फुल टॉस गेम और ये भी बाउंड्री, चार नंबर ये बाउंड्री के बाहर।
बहुत ही अच्छे लय में नजर आ रहे हैं सुबीर। तीन गेंदों में 14 रन, दो बाउंड्री, एक ओवर बाउंड्री, 27 पवेलियन से इस शेप में गया है। इस सीजन काफी अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, देखते हैं क्या सोचे जो कि जूनियर बॉलर है वो कम बैक कर पाएंगे। कुछ अलग रणनीति में नजर आ रहे हैं सुबीर, तीन गेंदों में 14 रन और इस ओवर की अगली गेंद और गेंद को उठाकर लाइए, चार गेंदों में 30 रन, वाह भाई वाह। सुबीर सुबीर स्ट्राइक पे, विकेट के पीछे सौरभ, देखते हैं सोबिक की अगली गेंद क्या कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। सुबीर का बल्ला माशाल्लाह, इसी चौकी के साथ सिटी गाइडेंस का स्कोर 24 रन, पांच गेंदों में 24 रन, सिटी गाइडेंस का खेमा काफी खुश। फील्डर बनेंगे 63, एक ओवर में 30 रन, 3 छक्के और 3 चौका। सुबीर नाम तो सुना ही होगा, सुबीरের ব্যাট থেকে কয়েকটি দর্শনীয় শট এসেছে, জায়গ জুনিয়র বোলার বল করতে দেখেছে লায়ন্স এর অধিনায়ক, তো জুনিয়র বোলার বল প্রত্যেকটা ম্যাচেই ভালো করেছে দেখেছি, যাই হোক মার খেয়েছে একটু। আর সুবীর কিন্তু কয়েকটি দর্শনীয় শট দর্শক দিকে উপহার দিয়েছে, যাই হোক ওভার অফ ওভার অফ এসেছে 30 রান। সিটি টাইটান্স এর দুনা উইকেটে এক ওভারে 30 রান, এক ওভার 30 রান। দুসরে ডালে সুরজ স্ট্রাইক পেতে বেতু, और আমি জাতি কে সাথে সাথে কে বাজি और ये रन और 50 बन सकता है, देखते क्या रन आउट होगा। और ये नहीं, काफी अच्छी रन विकेट और एक रन को दो रन में तब्दील कर दिया, तो इस रन को लेकर क्या कहना चाहेंगे सिद्धूरा। थोड़ी भावा शुरुआत गाइडेंस से बैटिंग देके देखी, सुबीर एत सुंदर फॉर्म में आछे, एत भालो खेलछे, जदि सुबीर के तादरी आटके ना पारे तारे किन्तु एकटा गाइडेंस सेटा एखाने बड़ स्कोर करार सम्भावना आछे। लायन्स के इमिडिएटली किछु एकटा भावना चिंता करे सुबीर विकेटटा तुलते हबे, মাঠের মধ্যে গরু নিয়ে গেছে, গরুটি বার করে দাও ভাই। और आपके यहाँ सिद्धांत है व्हाइट, आपके अंदर बोल रहे खिलाड़ी एक टू स्टॉप लेके गुरु गुरु का बाहर बैन कर दो। रेडी दोनों बल्लेबाज दिव्येंदु और सुबीर एकदम बॉलर को कोई रिहाई नहीं, उन्हें पता है मैच का मैच सेमीफाइनल मुकाबला, जो टीम हारेगी वो इस मुकाबले से बाहर। सूरज की अगली गेंद
और देखते हैं अंपायर का डिसीजन क्या आता है। अंपायर डिसीजन बोलते हैं व्हाइट बॉल, सॉरी माफ कीजिएगा गॉड बॉल, बाकी सिगेट और इस सूरज के विकेट। और इस फुलटॉस के उठा के खेला है, खेल जाएगी बाउंड्री के बाहर, कवर के ऊपर से 6 रन। क्या कहेंगे सिद्धू इस शॉट को लेकर, दारू शॉट। कवर ओवर की एत सुंदर एक छक्का दीपेंद्र बैट के देखे अभी सत्य खूब मुग्ध। टाइटन्स के আজকে আমি মানে সত্যি করে বুঝতে পারছি না কিভাবে ওরা কি করতে চাইছে, এরকম করে যদি খেলে তার মতো 300 ওভার রান হয়ে যাবে। দারুণ বল, দারুণ বল, সুরজের দারুণ বল, দীপেন্দ্র বলটাকে দুটি বড় সম্মান দিয়েছেন। और यहाँ पर पावर प्ले का समाप्ति, और यहाँ पावर प्ले की समाप्ति, यानी 5 फील्डर डायरी के बाहर रहेंगे। और एवं मैं बता देना जितनी समझता हूँ जो भी खिलाड़ी दर्शक जो भी दर्शक ग्राउंड में नहीं पहुंचे वो हर कंडीशन के यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज पर खेल का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 43 बिना किसी नुकसान बॉलिंग लिया है सबसे, जो काफी अच्छी गेंदबाज है सिटी लाइन की टीम के लिए। देखते हैं वो क्या इस पार्टनरशिप को ब्रेक कर सकते हैं या नहीं, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। खबर कंडीशन पर लाइव हो रहा है ये सीसीएल सीजन 6 का मेगा सेमीफाइनल, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं, इस पर आपका फायदा उठा सकते हैं। सबसे की पहली गेंद सेट सुबीर, चार बल्लेबाज सुबीर, और खुदा की खेलने का प्रयास पर डिसाइड गेम, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल। इसी का स्कोर जा पहुंचा है 44। तीसरे प्रति ओवर के रन रेट से रन बना रहे हैं टीपी टाइटंस के बल्लेबाज। और ईश्वर सेठ की अगली गेंद, और ये बार फिर से घुमा के खेलने का प्रयास, पर डॉट बॉल काफी अच्छी गेंदबाजी। और ये बार फिर से घुमा के खेलने का प्रयास, पर फिर से डॉट बॉल काफी अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सिंधुदा, बहुत सुंदर बॉलिंग সামনে, যেটা আমরা জানি সামনে সত্যি স্লোয়ারগুলো খুব ভালো করে ব্যাটসম্যানকে পুরো পরাস্ত করছে, এত সুন্দর বল করছে, আর দরকার ছিল রাঞ্জের বয়টা ওখান, কারণ খুব ধোঁয়াধার স্টার্ট করছে টাইগার্স, এখানে খুবই দরকার একটা উইকেট। বলটা হাই উইকেটে দেখা যাক, এটা ক্যাচ নিতে পারে কিনা, ও ক্যাচ মিস, এই ক্যাচ মিস মানে ম্যাচ মিস হতে পারে। দুরান সামসের খুব সুন্দর বলটি করেছিলেন, একটা চান্স তো ছিল বাট কিছু করার নেই, ফিল্ডিং ক্যাচ নিতে পারলেন না। আমরা সবাই জানি ক্যাচ মিস মানে ম্যাচ মিস, এটা না একটা বড় ধাক্কা হয়ে যায় লায়ন্সের জন্য। ক্যাচ কাটা বলছে কথা
देखेंगे। और ये बार फिर से जाके खेला है फील्डर गेंद के नीचे, पर फील्डर बनेंगे परफेक्ट। और इस शॉट के साथ टीम का स्कोर 50 हो चुका है। खेला है फील्डर गेंद के नीचे, देखते क्या खराब की वजह से बैट्समैन ने 3 रन ले लिए इस गेंद में। बहुत ही तेज, काफी अच्छे उठा के खेला है, खेल जाएगी तारामंडल में, फील्डर बनेंगे 3 ओवर की प्राप्ति के बाद 200 भी हो सकता है, देखते हैं। पर अभी कुछ बोल नहीं सकते, ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अगले गेम बाद सूरज पिछला का हार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सोच क्या है। सुमीर और दिव्येंदु सिर्फ छक्के पे छक्के मारे जा रहे हैं। ছক্কা মারতে পারলে টিম তার তরফ থেকে 100 টাকা। জুনিয়ারের পুরো 2 ওভার পেলে যদি 3টা উইকেট পায় করে জুনিয়ার শিবাসি দা এবার দি অন স্ট্রাইক। বহুত আচ্ছা শট আর ইয়ে আদি খাতা খুলে গেলো সে স্ট্রাইক পেয়েগে দীপেন্দু। এর বাদ মে সুরজ দেখতে আর লিগে আরি উল্টা আসবেগা ফিফ স্ট্রাইক পেয়েগে 6 মে और इस सूरज के लिए स्ट्राइक में बांद्री पहला मैच सबके लिए सूरज के लिए स्ट्राइक और फिर से एक डिजाइन के भाई और ये बहुत काफी अच्छी लाइन है। और इस सूरज क्या थी गेट, इस सूरज क्या थी गेट ट्रैक में माद्री मरी जोरदार प्रहार कर लो मुझे और एक रन की सब दूसरा पड़ गया माद्री को और एक विकेट के नुकसान पर 4 ओवर से 500 रन एक विकेट ने बिटवाए। अब तक कंपटीशन ऑफ 4 ओवर 72 रन लास्ट ऑफ 1 विकेट। बहुत ही शानदार गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी बाबू की, या नहीं ट्रैक पे हिमाद्री टीम के कप्तान। और ये उठा के खेला है, खेल जाएगी तारामंडल की शानदार, बहुत ही शानदार शॉट। খুব সুন্দর খেলছে হিমাদ্রি, ইনিংসটাকে বিল্ড করছে, দেখে ভালো লাগছে, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলছে। আর আমাদের গ্রাউন্ডে যারা ভালো বল ভালো বল, আমাদের গ্রাউন্ডে যারা এসে এখন উপস্থিত হতে পারেনি, যারা বাড়িতে আছে বা কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে, তারা এই খেলাটিকে লাইভ দেখতে পাবে খবর পাল্টানোর চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক। হিমাদ্রি অনস্ট্রাইক
আবার একটা জোরে পাঁচ করেছিল বা ঠিক মতো কানেক্ট হয়নি, এটা একটাই রান। খুব বুদ্ধি লাগে বল করছে বাবু, সত্যি হবে না কেন সরকার উইকেটে টেস্টারের ঠিক হয়ে গেছে কারণ উইকেট লায়ন্সের কাছে, লায়ন্সের জন্য এটা একটা ভালো। পাঁচ ওভারের শেষে 83 রান লস অফ ওয়ান উইকেট, আচ্ছা সরি পাঁচ ওভার শেষে 84 লস অফ ওয়ান উইকেট, পাঁচ সাতিক বার 84 এক উইকেট কে নুকসান পর আনে বালে নয় গেন পাঁচ, নয় গেন পাঁচ হ্যাডার স্ট্রাইক পে দিব্যেন্দু, बाहर काफी निराश होंगे कप्तान, सिटी लाइन के कप्तान काफी निराश होंगे अपनी फील्डिंग को देखकर, इस तरह से अगर फील्डिंग की कम बैक पे डिपेंड हो और ये बस फिर से घुमा के खेलने का प्रयास पर एक रन चुरा लिया बिग बाद्री लायंस के इन्हें मैचे फिट कर फील्डिंग चार रन লায়ন্স কিন্তু যেভাবে জয় গেছে দেখে উইকেট উইকেট বল করছে কোন রকমে ফিল্ডিং বাই আরমান হিমাদি অন স্ট্রাইক, বাহ ডাউন বলে ছ ওভারের শেষে লাস্ট ওভার খুব কোনে যে একটা পার্টি হয়ে যায় এই রানটা কিন্তু আরো মধ্যে বেকার টাইম নষ্ট করে লাভ নেই, আচ্ছা এটা কি টাইম আউট একটু একটু তাড়াতাড়ি একটু ফাস্ট দুটো টিমকে বলো ভুল থাকার জন্য খুব সুন্দর খেলা সিপি লাইন্স কি অনেকে স্যার আর বলিং কি চার মিস হওয়া বাদ করে তো কাঁপে মাদ্রি কেন ভাবি অপায় और फिर आपको बता देता हूँ काफी एक्टिव क्लिक पे दावा देखने को एक ग्राउंड में कुछ जनप्रिय बैट्समैन देखा हमसे खूब ही सुंदर बॉल कुछ है छह रन लॉस ऑफ टू विकेट दुबई टू বাংলা ইংলিশ হিন্দি Next ball, Heather back to Hemant.
ওভার, আট ওভার 124। ফ্ল্যাশব্যাক যাচ্ছি আগের বছরে এইচপিএল এ, এবার দেখি রিভেঞ্জ হতে পারে এইচপিএল এ, রিপিট সিপিএল এ আমরা দেখতে পাচ্ছি। বারো রানের ওভার, দুটো ছয় মিনিটে বলা হচ্ছে তিন উইকেট।